Hello friends, welcome to Education Shelf Live. Myself Dr. Adi Agrawal and I'm here with the next part of 7th chapter, that is Morphology and Anatomy of Frog. So this last part bhi rahega, iske baad hamara 7th chapter jo hai wo khatam ho jayega. So isse pehle humne dono jo cockroach aur earthworm hai unki anatomy aur morphology hum clear out kar chuke hain. So hamare aaj ke lecture se start karte hain. Now frogs, they can live on both on land and in fresh water and they belong to the class amphibia of phylum chordata. तो जब मैंने आपको phylum chordata पढ़ाया था, जब भी मैंने आपको बताया था, होते हैं वो दोनों plant, sorry, land, water, दोनों में रह सकते हैं, land और water दोनों में रह सकते हैं. इसीलिए उन्हें amphibia बोलते हैं. ठीक है, तो phylum chordata है, उसकी class amphibia में frogs include होते हैं. Now the most common species of frog which is found in India is Rana tigrina. तो ये इसका scientific name है Rana tigrina. ये most common species है frog की जो India में हमें मिलती है. Now ये क्या होते हैं, मैंने आपको दो terms बताई थी जब मैंने animal kingdom पढ़ाया था, poikilothermous और homeothermous. तो poikilothermous वो होते हैं the organisms who are not able to maintain their body temperature. ठीक है, अपनी body के temperature को maintain नहीं रख सकते, उन्हें poikilothermous एनिमल्स बोलते हैं या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं. तो जो एम्फीबियंस होते हैं या जो फ्रॉग है यहाँ पे, वो हमारा इसी कैटेगरी में इंक्लूड होता है. दे डू नॉट हैव एनी कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, सो दे आर नोन एज पोइकिलोथर्म्स. ठीक है, नाउ दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज. अब ये कैमोफ्लाज कर लेते हैं, यानी कि अपना कलर जो है, अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने कलर को, बॉडी कलर को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इस जो ये कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं कैमोफ्लाज. एंड दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज नोन एज मिमिक्री. और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम बोलते हैं मिमिक्री. ठीक है, नाउ दे ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग ज़्यादा समर बहुत ज़्यादा हो गई है या विंटर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड. सो this is known as summer sleep and winter sleep. So summer sleep is known as estivation. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये बरों में जाके छिप जाते हैं, तो उसे बोलते हैं summer sleep या estivation. और बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो भी ये जाके छिप जाते हैं, तो उसे बोलते हैं winter sleep और hibernation. ठीक है, तो ये हो गया मेन जो हमारा फ्रॉग है उसके बारे में. अब हम उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे. Now the skin is smooth and slippery due to the presence of mucus. अब क्योंकि ये पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, तो इसीलिए जो कवरिंग होती है इसकी, वो म्यूकस की कवरिंग होती है इसकी बॉडी पे, इसलिए इसकी जो बॉडी होती है, स्किन जो होती है, इट इज़ स्मूथ एंड स्लिपरी. ओके, एंड द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन. अब इसकी स्किन जो होती है, इट इज़ नेवर ड्राई, हमेशा गीली कंडीशन में रहती है, मॉइस्ट कंडीशन में रहती है, नम रहती है इसकी स्किन ऑलवेज. And the color of the dorsal side of the body is generally olive green. तो जो ऊपर वाली बॉडी सर्फेस होती है, जैसे ये बैठा हुआ है, ठीक है, तो जो ये वाली सर्फेस है, ये dorsal surface है, ये olive green color की होती है. ठीक है, while और इसमें dark irregular spots भी देखने को मिलते हैं. जबकि जो ventral side होती है, जो नीचे की side होती है, it is of pale yellow color. pale yellow color की होती है इसके. ठीक है, तो दोनों जो डॉर्सल साइड की स्किन है और वेंट्रल साइड की स्किन है, दे बोथ हैव डिफरेंट कलर्स. द डॉर्सल साइड हैविंग ऑलिव ग्रीन, वाइल द वेंट्रल साइड इज हैविंग यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर. नाउ वन पिक्यूलर थिंग अबाउट द फ्रॉग इज दैट इट नेवर ड्रिंक्स वाटर, बट इट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन. कभी पानी पीता नहीं है ये, पानी एब्जॉर्ब करता है अपनी चमड़ी से, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, कभी खुद पानी पीता नहीं है. क्या हम जैसे मुँह से पानी पीते हैं, वैसे पानी नहीं पीता है. नाउ द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू थ्री टू पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक. तो दो पार्ट में डिवाइड होती है इसकी बॉडी, दिस इज द हेड पार्ट एंड दिस इज द ट्रंक पार्ट. ठीक है, नाउ अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट. अब ये इंपॉर्टेंट थिंग है, नेक नहीं होता है और टेल भी नहीं होती है, दे बोथ आर एब्सेंट. देन अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स इज प्रेजेंट. ठीक है, तो मुंह के ऊपर नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं. देखो एक्सटर्नल नेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, यही. देन आईज आर बर्स्ट एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर.
तो अब जो आईज होती हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, बर्स्ट आउट होती हैं और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से क्यों कवर्ड रहती है? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इससे क्यों कवर्ड रहती है? क्योंकि पानी में रहते हैं, तो पानी में अगर रहेंगे तो आँख में पानी चला जाएगा, तो वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो आइज़ को कवर करके रखती है वाइल द फ्रॉग्स लिव इन वाटर। तो जब तक ये पानी में रहते हैं जब तक वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है इनकी आँखों को कवर करके रखती है जिससे आइज़ में वाटर जो है एंटर नहीं कर पाए, ठीक है। देन ऑन ईदर साइड ऑफ द आइज अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम और ईयर रिसीव्स साउंड सिग्नल्स। अब मैंने आपको टिम्पैनम के बारे में क्लास हम जब एम्फीबिया पढ़ रहे थे जब भी बताया था, तो इट इज़ नॉट एन एक्चुअल ईयर, बस ऐसे एक बोल सकते हैं कि एक ईयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, टिम्पैनम बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो आइज के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, दोनों आइज के मतलब एक इधर और एक इधर, लेफ्ट राइट। सो इट रिसीव साउंड सिग्नल्स, ये ईयर की तरह काम करता है क्योंकि ये साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है। एंड द फोर लिम्स एंड द हाइंड लिम्स दे हेल्प इन स्विमिंग वॉकिंग लीपिंग एंड बर्रोइंग। अब जो फोर लिम्स हैं यानी कि आगे वाले पंजे और पीछे वाले, ये दोनों ही जो है किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में, पानी में होंगे तो स्विमिंग में हेल्प करेंगे, वॉकिंग में हेल्प करेंगे यानी कि चलने में, लीप करने में, फ्रॉग उछलता भी है तो उससे लीप करने में, और बरो करने में, वही एस्टाइवेशन और हाइबरनेशन के लिए उन्हें अपनी जो वो खोदना तो पड़ेगा ना बरो। तो इन चारों चीज़ों में ये चारों लिम्ब्स, दो फोर लिम्ब और दो हाइंड लिम्ब्स दोनों हेल्प करते हैं। देन द हाइंड लिम्ब्स दे एंड इन फाइव डिजिट्स एंड दे आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन द फोर लिम्ब्स दैट एंड इन फोर डिजिट्स। तो एक बात ध्यान रखनी है, जो हाइंड लिम्ब्स होते हैं उनमें फाइव डिजिट्स होती है, देखो 1 2 3 4 5, वाइल द फोर लिम्ब्स दे हैव फोर डिजिट्स। तो जो हाइंड लिम्ब्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े भी होते हैं और ज़्यादा मस्क्यूलर होते हैं देन द फोर लिम्ब्स, ठीक है। देन द फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। अब ये जो फीट होती है इनकी, ये वेब्ड होती है, देखो जो फाइव डिजिट्स हैं ये वेब्ड होती है, बीच में वेब होता है इसके, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें ये वेब है, ये जो दिख रहा है ये वाला चीज़ ये वेब है, तो वेब होती है जिससे उन्हें स्विमिंग में हेल्प मिलती है। नाउ दे एग्जिबिट सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म। अब इनमें क्या है? सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फीमेल फ्रॉग है एक्सटर्नली देखने से ही और कौन सा मेल फ्रॉग है। कैसे? बिकॉज द मेल फ्रॉग्स दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। अब जो हमारे मेल फ्रॉग्स होते हैं उनमें क्या होती है? दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनमें वोकल सैक्स होते हैं, ठीक है ना, दे हैव वोकल सैक्स, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, मेटिंग की वजह से, मेटिंग के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब इन्हें मेटिंग करनी होती है तब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए एक तो वोकल सैक्स होते हैं, और अगर वो भी ना दिखें तो जो फोर लिम्ब होता है उसकी जो फर्स्ट डिजिट होती है उस पर एक कॉपुलेटरी पैड होता है, ठीक है, फोर लिम्ब्स की फर्स्ट डिजिट पे, तो वो सिर्फ मेल फ्रॉग्स में मिलता है, फीमेल फ्रॉग्स में नहीं। तो इससे हम पता कर सकते हैं कौन सा मेल फ्रॉग है और कौन सी फीमेल फ्रॉग है। ये हो गई हमारी मॉर्फोलॉजी। नाउ वी विल रीड अबाउट द एनाटमी ऑफ द फ्रॉग। अब जो बॉडी कैविटी होती है उसमें सब सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम पे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्रॉग इज शॉर्ट बिकॉज दे आर कार्निवोर्स। तो क्या होता है, जितने भी कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स, जैसे हम भी ओमनिवोर्स हैं तो हमारी मीडियम साइज की है, जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें डाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो शॉर्ट होती है, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा होता है विद द हर्बीवोर्स एनिमल। हर्बीवोर्स एनिमल में सेलुलोस को पचाने, सेलुलोस को पूरा डाइजेस्ट करने के लिए अच्छी तरह से एक लंबी चौड़ी कैनाल होती है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द हर्बीवोर्स एनिमल इज लॉन्गर देन दैट ऑफ द कार्निवोर्स। So their elementary canal is short and hence the length of intestine is reduced. Their elementary canal short है और length जो intestine की वो भी कम होती है। Now the mouth, it opens into the buccal cavity. So first of all there is a mouth which opens into a buccal cavity. Then this buccal cavity, it opens into a esophagus through pharynx. So
Here is somewhere mouth, which opens into buccal cavity, and buccal cavity through pharynx open into this esophagus. Esophagus, it is a short tube, okay? It is not very much long. It is a short tube and it opens into stomach, which in turn continues as the intestine. So first one is mouth, then comes the buccal cavity, then through pharynx it opens into esophagus. Esophagus opens into stomach, and stomach it continues as intestine, rectum, and finally opens by the cloaca to the outside. So stomach jo hai wo baad mein intestine mein convert ho jata hai, intestine jo hai thodi der baad mein rectum mein convert ho jati hai, rectum se fir anus ke through jata hua, matlab anus nahi hota inme, cloaca bolte hai isko, to cloaca ke through ye bahar ki taraf open ho jata hai. Now liver present hota hai isme, okay? So liver, it secretes bile, okay, which is a digestive enzyme, as well as pancreas are also present in frog. So pancreas, they secrete a pancreatic juice which contains digestive enzyme. So ye dono cheeze dhyan rakhni hai, liver aur pancreas dono cheeze present hoti hain. Liver bile secrete karega aur pancreas bhi jo hai wo pancreatic enzyme secrete karegi, which are digestive enzymes. Now there is bilobed tongue, theek hai, jo inki tongue hoti hai, it is bilobed like this. Okay, so they have a bilobed tongue. Do mein furcated rehti hai. It's bifurcated. Then the food is captured by the bilobed tongue, and the digestion of food takes place by the action of HCl and gastric juices secreted from the walls of the stomach. So food ko capture kar leti hai tongue, buccal cavity mein jaake esophagus se stomach mein aa jata hai. Stomach mein HCl yani ki hydrochloric acid aur gastric enzyme secrete hote hain, jo ki digestion karne mein help karte hain. Now the partially digested food, which is known as chyme, okay, so chyme is the partially digested food, it passed from stomach to the first part of the intestine, which is known as the duodenum. To hamare jaisa hi hai iska structure almost. To jo stomach mein food digest ho jata hai use bolte hain chyme. To chyme jo hai fir duodenum mein jata hai, first part jo hota hai intestine ka. Then the duodenum, it receives bile from the gallbladder and pancreatic juices from pancreas through a common bile duct. So inme bhi ek common bile duct hoti hai jo ki duodenum mein ja ke khulti hai, aur duodenum mein isiliye dono cheezon ke secretions aate hain, yani ki liver ka bhi aur pancreas ka bhi, theek hai. Then what happens in duodenum is bile, it emulsifies the fat, and pancreatic juice, it digests the carbohydrates and proteins. So bile jo hai wo fat ko break down karta hai, emulsify karta hai, और जो पैनक्रियाटिक जूस है जो पैनक्रियास से सिक्रीट हो रहा है वो दो चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को. देन द फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन. तो फाइनल डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन में होता है. देन द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, विच आर नोन एज विलाई एंड माइक्रोविलाई. तो इंटेस्टाइन में उसकी सर्फेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए या एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करने के लिए विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं, ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं. तो डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में. देन द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पास आउट थ्रू क्लोआका. तो जैसे हम में होता है, जो हमारा एक्सक्रीटा है वो एनस के थ्रू बाहर आता है, इनका जो एक्सक्रीटा है इट कम्स आउट थ्रू द क्लोआका, ठीक है. तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट फ्रॉग्स, इट एस रिस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स. तो लैंड पे भी रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, और वाटर में भी सांस लेते हैं, दो डिफरेंट मेथड्स से. कैसे? वाटर के अंदर जब होते हैं देन स्किन एक्ट्स एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है. तो जब ये पानी के अंदर होते हैं तो स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं. While on land, the buccal cavity, skin and lungs, they act as the respiratory organs. ठीक है, तो तीनों चीज़ों से respiration होता है जब ये land में होते हैं. तो skin से जो respiration होता है उसे बोलते हैं cutaneous respiration. Cutaneous respiration. ठीक है, और जब ज़मीन पे होंगे तो मुँह से भी सांस लेंगे, ठीक है, और स्किन से भी ले सकते हैं और लंग्स से भी ले सकते हैं. देखो लंग्स दिखा देती हूँ, ये रहे लंग्स, ठीक है. देन द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज टू द स्किन बाय डिफ्यूजन. अब होता क्या है, जब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है
वो स्किन के थ्रू डिफ्यूजन, सॉरी स्किन से डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होती रहती है, ठीक है। देन लंग से रेस्पिरेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सबको ही पता है ये बात, तो इट इज़ नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। देन द लंग्स, दे आर अ पेयर ऑफ एलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन। ये मैंने आपको दिखाई दिया, पिंक कलर के इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, देखो कितने लंबे लंबे से हैं, ठीक है। और ये अपर पार्ट ऑफ थोरैक्स में या ट्रंक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस इज, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स इनटू द बक्कल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। तो एयर जो है वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करती है बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी से फिर वो जाती है लंग्स के अंदर। एंड ड्यूरिंग एस्टाइवेशन एंड हाइबरनेशन अगेन द गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। तो जब ये सुप्त अवस्था में होते हैं, मतलब कि जब ये समर स्लीप में होते हैं या विंटर स्लीप में होते हैं, जब भी स्किन के थ्रू ही इसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का या रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ थर्ड सिस्टम इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ ऑफ क्लोज टाइप, ठीक है, ओपन टाइप नहीं होता है, इट इज़ ऑफ क्लोज टाइप। मीन्स ब्लड वेसल्स, नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स आर प्रेजेंट। नाउ दे हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। तो इनमें सिर्फ जो है वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं होता है, लिम्फैटिक सिस्टम भी होता है, लिम्फ का सिस्टम भी इनमें डेवलप्ड होता है। नाउ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो अब जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, हार्ट होता है पंपिंग करने के लिए, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है। एंड द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में भी तीन पार्ट हैं और ब्लड में भी, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में भी तीन पार्ट है। नाउ हार्ट, इट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। सो जो हार्ट होता है, इट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज सिचुएटेड इन द बॉडी कैविटी, अपर बॉडी कैविटी, एंड इट हैज़ थ्री चैम्बर्स। हमारे हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं, बट इनके में ओनली थ्री चैम्बर्स आर प्रेजेंट, टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल, ठीक है। एंड इट इज़ कवर्ड बाय मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम मीन्स अराउंड द हार्ट, तो इट इज द हार्ट इज कवर्ड थ्रू पेरिकार्डियम। नाउ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज साइनस वेनोसस इज इट जॉइंस द राइट एट्रियम। तो यहाँ दिख रहा है साइनस वेनोसस, ये एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है। एंड इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। तो वेना कावा करके मेजर वेन होती है, उससे ब्लड जो है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। देन द वेंट्रिकल, इट ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस। अब जो हमारा वेंट्रिकल है जो कि सिंगल होता है, वो किस में ओपन करता है, एक सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस होता है जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है हार्ट की, उसमें ओपन करता है हमारा ये वेंट्रिकल, ठीक है। देन द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। नाउ ब्लड जो है आर्टरीज के थ्रू सारे पार्ट्स में जाता है, जिसे हम आर्टेरियल सिस्टम होता बोलते हैं। और वेन्स क्या करेंगी, दे विल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टू द हार्ट एंड फ्रॉम द वेनस सिस्टम, ठीक है। तो हार्ट से वो हार्ट तक लेके जाती हैं, ठीक है ना। तो आर्टरीज जो है वो हार्ट से लेके जाती हैं सारे ऑर्गन्स तक, और सारे ऑर्गन से जो भी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे कैरी करके वो वापस हार्ट में लेके आती हैं, वो होती हैं वेन्स। नाउ द स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में एक चीज़ होती है, स्पेशल वेनस कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं, किस किस के बीच में, एक तो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है, लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है। दूसरा किडनी और जो लोअर पार्ट है बॉडी के उनमें। सो जो पहला वाला वेनस कनेक्शन है जो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो होता है, उसे हम बोलते हैं रीनल, सॉरी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सो इट इज़ नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। वाइल जो किडनी और बाकी सब में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलेंगे, किडनी को क्या बोलते हैं, रीनल। सो रीनल पोर्टल सिस्टम। तो ये दो सिस्टम होते हैं वेनस कनेक्शन जो है, तो लिवर और इंटेस्टाइन वाला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, वाइल द नेक्स्ट वन दैट इज किडनी एंड लोअर ऑर्गन्स आर नोन एज रीनल पोर्टल सिस्टम। नाउ द ब्लड इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। तो ब्लड में क्या है, प्लाज्मा होता है और सेल्स होता है, तो सेल्स के नाम पे वही RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। नाउ RBCs जो होती हैं इनमें, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दे आर न्यूक्लिएटेड। जो ह्यूमन में RBCs होती है वो डी न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो फ्रॉक्स में RBCs होती हैं, दे आर न्यूक्लिएटेड, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड दे कंटेन द रेड कलर्ड पिगमेंट विच इज़ नोन एज
हीमोग्लोबिन, उनमें हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज। अब लिम्फ जो है वो डिफरेंट होता है ब्लड से, क्योंकि लिम्फ जो है वो वाइट कलर का होता है बिकॉज उसमें आरबीसीज नहीं प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से रेडिश कलर आता है, तो आरबीसीज भी नहीं प्रेजेंट होती हैं। और कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड में होते हैं बट वो इसमें नहीं होते हैं, इसमें लिम्फ में, ठीक है। देन द ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट्स गैसेस एंड वाटर टू द रेस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग सर्कुलेशन। अब ब्लड का क्या काम है, न्यूट्रिएंट्स लेके जाना, गैसेस, वाटर, जो भी चीज़ें हैं वो लेके जाता है, ये जिस भी साइड पे उसे लेके जानी है वहाँ पे। देन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। और सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट प्रेजेंट है तो हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा और उसके थ्रू सर्कुलेशन होगा, ठीक है। तो ये है फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम, आ गया समझ में। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट विच इज नोन एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम वैसे तो वैका से एक्सक्रीशन होता है बहुत, इसका देख लेते हैं। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, क्लोआका एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जो तो एलिमिनेशन जो है नाइट्रोजनस वेस्ट का किससे होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, एक पेयर होता है किडनीज का, मतलब दो किडनीज प्रेजेंट होंगी, यूरेटर्स होगा, क्लोआका होता है सिंगल, और एक यूरिनरी ब्लैडर। देन जो दे आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स। अब जो किडनीज हैं वो वैसे ही हैं, कॉम्पैक्ट बीन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे हमारे में होती हैं बीन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसी ही होती हैं ये भी। एंड दे आर सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके दोनों तरफ पे प्रेजेंट होती हैं किडनीज, और थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं, जो पोस्टीरियर वॉल होती है हमारी बॉडी की, मतलब फ्रॉग की बॉडी की, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देन ईच किडनी इज कम्पोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो हर किडनी में बहुत सारे जो हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, जिसे हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम है इनका यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नाउ द टू यूरेटर्स दे इमर्ज फ्रॉम किडनीज इन द मेल फ्रॉग्स। अब मेल फ्रॉग्स में क्या है, दो यूरेटर्स जो हैं वो इमर्ज आउट होते हैं फ्रॉम द किडनीज। द यूरेटर्स दे एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोआका। तो ये क्या है, जैसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो यूरिनोजेनाइटल का मतलब क्या हो गया, एक तरह से वहाँ से यूरिन भी पास आउट होता है और वहाँ से स्पर्म्स भी पास आउट होते हैं, तो एक सिंगल डक्ट होती है। इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोआका। जबकि जो फीमेल्स फ्रॉग्स होती हैं उनमें यूरिन वाली डक्ट अलग ओपन होती है, और ओविडक्ट जिसमें एग्स होते हैं वो अलग ओपन होती है क्लोआका में, दोनों अलग अलग टाइप ओपन होती है। जबकि जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उनमें ये सिंगल डक्ट की तरह ओपन होती है क्लोआका में, ठीक है। एंड द फ्रॉग इट एक्सक्रीट्स यूरिया। तो हमने जो वो था हमारा कॉकरोच, इससे पहले वाला लेक्चर जो लिया था उसमें क्या पढ़ा था, इट वॉज यूरिकोटैलिक बिकॉज इट सिक्रीट्स, इट एक्सक्रीट्स यूरिक एसिड, ठीक है। जबकि जो फ्रॉग है वो यूरिया को एक्सक्रीट करता है, इसलिए यूरिकोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, सॉरी इट इज़ नॉट यूरिकोटेलिक, इट इज़ यूरियोटेलिक एनिमल। देन द एक्सक्रीटरी वेस्ट दे आर कैरिड बाय ब्लड इन टू द किडनी वेयर इट इज़ सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। अब एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो क्या होता है, ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है, ठीक है, और किडनी में वहाँ पर उसको सेपरेट करके और एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ द सेंसरी सिस्टम और द नर्वस सिस्टम। नाउ नर्वस सिस्टम में दोनों चीज़ें होंगी, न्यूरल सिस्टम भी होगा और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होंगी। इट इज़ हाईली इवॉल्व्ड इन फ्रॉग, जो सिस्टम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, इट इज़ हाईली इवॉल्व्ड इन फ्रॉग। नाउ द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हॉर्मोन्स विच आर सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है तो केमिकल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, तो वो किससे आएगा, हॉर्मोन्स की वजह से, और हॉर्मोन्स कौन सिक्रीट करती है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग आर कौन कौन सी है, लिख लो ना, पिट्यूटरी, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रीनल्स एंड गोनैड्स। सो दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर फाउंड इन फ्रॉग। नाउ द नर्वस सिस्टम इट इज ऑर्गेनाइज इन टू अ CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये तो पता ही है आप लोगों को कि CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। एंड अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स।
जो भी इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और जो इन दोनों की नर्व्स होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं स्पाइनल नर्व, सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को. तो इट इज CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड PNS कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, एंड देन कम्स द थर्ड सिस्टम दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो इट कंसिस्ट ऑफ सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्व्स एंड इट्स सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम जो है तीन पार्ट में ऑर्गेनाइज रहता है. नाउ हमारे में क्या होता है, ह्यूमंस में देर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, वाइल इन फ्रॉग्स देर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. तो ये बात ध्यान रखनी है, एंड दे अराइज फ्रॉम द ब्रेन. नाउ द ब्रेन इट इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम. ठीक है, जैसे हम में होता है वैसे इसमें भी क्रेनियम में प्रेजेंट होता है, बोनी स्ट्रक्चर में. नाउ द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन यानी कि आगे का ब्रेन, मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट, और हाइंड ब्रेन यानी कि पीछे वाला पार्ट. सो फोर ब्रेन इट इंक्लूड्स, फोर ब्रेन में क्या क्या होता है लिख लो, ऑल्फैक्टरी लोब्स. फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स. ठीक है, याद नहीं रहेगा इसलिए इसको हाथ के हाथ लिखते जाओ. एंड द अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, अनपेयर्ड इट इज अनपेयर डायनसेफेलॉन. तो ये सब चीज़ हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स एंड द अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन. नाउ मिड ब्रेन में क्या होती है, सिर्फ एक चीज़ होती है, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स. ठीक है, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स. एंड द हाइंड ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, तो आगे समझ में, फोर ब्रेन में चार चीज़ें होती हैं, मिड ब्रेन में पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स एंड हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. नाउ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इट पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम. तो इसमें भी फोरामेन मैग्नम होता है, जैसे कि हमारे में भी होता है फोरामेन मैग्नम, बड़ा सा होल होता है एक, जो हमारे वहाँ जहाँ से हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है, वो हमारी नर्व कॉर्ड जो है एक तरह से वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट करती है. तो एक बड़ा सा होल होता है हमारे ब्रेन के लोअर पार्ट में, ठीक है, क्रेनियम के लोअर पार्ट में, ब्रेन के नहीं. तो वहाँ से मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पास आउट करती है एंड इट कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वहाँ से निकल के और फिर बाहर आती है और कंटिन्यू करती है एज अ स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ एनक्लोज्ड इन द वर्टेब्रल कॉलम, जो कि वर्टेब्रल कॉलम के अंदर एनक्लोज्ड रहती है. और फ्रॉग में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि ऑर्गन्स ऑफ टच. तो टच के ऑर्गन्स कौन से होते हैं इसमें, उन्हें बोलते हैं सेंसरी पैपिले, नाम लिख लो इसका भी. ठीक है, सो ऑर्गन्स ऑफ टच आर सेंसरी पैपिले, पैपिले. देन टेस्ट, टेस्ट के कौन से होंगे, ऑब्वियसली टेस्ट बर्ड्स. ठीक है, देन स्मेल, स्मेल किससे करेगा, नोज से, सो नेजल एपिथीलियम. एंड विजन की आईज होंगी, और हियरिंग का हमारा ही टिम्पैनम. ठीक है, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है इसमें, लेकिन टिम्पैनम जो है वो एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है. बस एक ऐसे शीत सी होती है, जैसे बाहर जैसे हमारा जो ब्रा, जैसे हमारी मम्मी पकड़ के खींचती है बचपन में, वो एक्सटर्नल ईयर होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है. इसमें इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, बट एक्सटर्नल ईयर इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द टिम्पैनम. तो ये सब तरह के ऑर्गन्स होते हैं इसमें, सेंस ऑर्गन्स. देन आउट ऑफ दीज द आईज एंड द इंटरनल ईयर्स, दे आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स, एंड द रेस्ट आर जस्ट सेलुलर एग्रीगेशंस अराउंड द नर्व एंडिंग्स. तो इन सब में से जो आईज हैं और इंटरनल ईयर्स हैं, वही एक तरह से अच्छी तरीके से एक स्फेरिक जो है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, जबकि जो टच, टेस्ट, स्मेल, इन सब के जो ऑर्गन्स हैं वो जस्ट ऐसे होते हैं कि बस सेल एग्रीगेट हो गई एक जगह नर्व एंडिंग्स के अराउंड और वो सेंस ऑर्गन बन गया. नाउ आईज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट एंड स्कल. तो स्कल में ऑर्बिट होती है, उसके अंदर आईज जो हैं वो होती हैं फ्रॉग की. दे आर सिंपल आईज, ठीक है, सिंपल आईज होती हैं, जैसे कि हमने कल कॉकरोच में पढ़ा था. दे आर कंपाउंड आईज एंड ईच आई कंपोज ऑफ 2000 ओमेटीडियम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि इनमें सिंपल आईज होती हैं, एक ही यूनिट की बनी हुई होती हैं. दैन एक्सटर्नल ईयर पता ही है प्रेजेंट एबसेंट होता है, सिर्फ इंटरनल ईयर जो है वो प्रेजेंट होता है. एंड द ईयर जो है इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, दैट इज इक्विलिब्रियम. जैसे हम में होता है,
हमें भी जो ईयर है वो सिर्फ सुनने का ही काम नहीं करता है, हमारी बॉडी का बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। ये बात शायद ही कुछ लोगों को पता होगी, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ही पता होगी ये बात। बाकी ये ध्यान रखने की बात है कि जो हियरिंग ऑर्गन है, जो हमारा ईयर है, इट एक्ट एज अ हियरिंग ऑर्गन एज वेल एज द बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम ऑर्गन। तो ऐसा ही फ्रॉग में भी है। नाउ द लास्ट सिस्टम इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दे हैव वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येल्लोइश ओवॉइड टेस्टिस। सो दिस इज द टेस्टिस, दिस वन, दिस इज येल्लो इन कलर। सो येल्लोइश ओवॉइड टेस्टिस आर प्रेजेंट एंड दे आर फाउंड adhered टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी। तो ये जो आपको दिख रहा है बड़ा वाला पार्ट, ये किडनी है, ठीक है। तो किडनी से अटैच रहती हैं बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच इज नोन एज मिजोरकियम। नाम लिख लो, मिजोरकियम, CHIUM, ठीक है। तो ये मिजोरकियम, ये जो फोल्ड दिख रहा है ये चीज़, ये इसके थ्रू जो है किडनी से अटैच रहती है, डबल फोल्ड होता है ये, जिसे मिजोरकियम बोलते हैं, पेरिटोनियम का होता है। देन वासा एफरेंशिया, दे आर 10 to 12 इन नंबर। देखो ये रिवासा और ये वासा एफरेंशिया है, जो मैंने आपको मिजोरकियम बता दिया, सॉरी, ये वाजा एफरेंशिया हैं, ठीक है, ये इससे निकल रही हैं बाहर। तो ये 10 से 12 होती हैं इन नंबर, ठीक है। एंड दे एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इन टू बिडर्स कैनाल। अब ये क्या है, किडनी के साइड से उसमें एंटर होती हैं और उसके अंदर जो बिडर्स कैनाल होता है उसमें एंटर कर जाती हैं। एंड फाइनली दे कम्युनिकेट विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इन टू क्लोएका। और फिर उसके बाद ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट से कॉन्टैक्ट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, जो कि किडनी से बाहर आती है और फिर ये क्लोएका में ओपन कर जाती हैं। क्लोएका क्या है, इट इज़ अ स्मॉल मीडियन चैम्बर, ठीक है। देखो ये दिख रहा है, दिस इज द क्लोएका। सो इट इज़ अ स्मॉल मीडियन चैम्बर दैट इज़ यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर। सो अभी मेल की बात हो रही है तो उसमें तीन चीज़ें निकलती हैं, फीसेस निकलेंगी, ठीक है, यूरिन निकलेगा और स्पर्म भी निकलेगा, क्योंकि इनमें यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है वो एक ही होती है। यूरिन भी उसी से निकलेगा, स्पर्म्स भी और फीसेस भी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। ये दिख रही है ओवरी, ठीक है, ये एक ओवरी है, ये दूसरी ओवरी है, ये भी किडनीज से कनेक्टेड रहती हैं। नाउ द ओवरीज दे आर सिचुएटेड नियर किडनी एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी। जैसे उसमें तो फंक्शनल कनेक्शन था, अंदर जाके यूरिनोजेनाइटल डक्ट बाहर आती है, ये अटैच रहती हैं किडनीज से, बट इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनीज से। एंड अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम द ओवरीज एंड ओपन्स इनटू द क्लोआका सेपरेटली। तो जो यूरेटर है वो अलग ओपन होगा और जो ओविडक्ट है जो कि अराइज हो रही है, ये है ओविडक्ट, ठीक है, दीज आर दी ओविडक्ट्स, ये अराइज करती है किडनी से, ये अलग ओपन होती है। तो क्लोएका में दोनों जो चीज़ें हैं अलग अलग ओपन होती है, ओविडक्ट अलग ओपन होती है, मतलब यूरिन अलग डक्ट से पास होगा और एग्स जो है, ओवम जो है, वो अलग डक्ट से पास होंगे। देन अ मैच्योर फीमेल इट कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। तो एक मैच्योर फीमेल जो है वो 2500 से 3000 ओवा जो है उसे ले कर सकती है, कैन ले इतने सारे ओवा एक बार में ले आउट कर सकती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मेनली वाटर में होता है इनका फर्टिलाइजेशन एंड इट टेक्स प्लेस इन वाटर, ठीक है। डेवलपमेंट जो है उसमें लार्वल स्टेज होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, लार्वल स्टेज होती है विच इज़ नोन एज टेडपोल, ठीक है, नाम सुना होगा, हो सकता है देखा भी हो आप लोगों ने। एंड द टेडपोल इट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। मेटामॉर्फोसिस डिफरेंट स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, एक डेवलपमेंट, एक स्टेज में ये डेवलपमेंट हो रहा है जो कि इसको एडल्ट के करीब लाता जा रहा है, एडल्टहुड के, ठीक है। तो लार्वल स्टेज होती है टेडपोल, सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन फ्रॉग्स, इट गोज थ्रू स्टेज नोन एज टेडपोल विच अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस एंड फॉर्म एन एडल्ट फ्रॉग। अब जैसे कॉकरोच था हमारा, वो किसी बेनिफिट, उसका कोई बेनिफिट नहीं था। अर्थवॉर्म को हमने क्या बताया था नाम, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, ठीक है। ऐसी फ्रॉग्स जो हैं दे आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट दी क्रॉप। क्या है ये, जो फसल होती है उन्हें बचाते हैं क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। तो जो फूड चेन और फूड वेब होती है
उसमें एक इम्पॉर्टेंट लिंक होता है फ्रॉग्स का, इसलिए इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसे मेंटेन करके रखते हैं। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है जो मस्कुलर लेग्स हैं इनके, जो हाइंड लिम्ब्स होते हैं, दे आर यूज्ड एज फूड बाय ह्यूमन बीइंग्स और मैन, ठीक है। तो ये कई जगह पे इनके जो लेग्स हैं वो खाए भी जाते हैं, दे सर्व एज अ डेलिकेसी, ठीक है। इंडिया में नहीं होता है लेकिन कई कंट्रीज़ में है ऐसा, ठीक है। तो ये भी बेनिफिशियल है। तो हमने तीन जो हमारे एनिमल्स पढ़े, कॉकरोच, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग, उन तीनों में से दो ही एनिमल्स जो हैं वो बेनिफिशियल हैं मैनकाइंड के लिए, दैट इज़ फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म। कॉकरोच कोई बेनिफिट नहीं करता है, इसलिए वो जब भी दिखे उसे मार डाल, ठीक है। एंड दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। द कॉपुलेटरी पैड्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग, रेस्पायर इन वाटर थ्रू, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द वॉट इज क्लोआका। तो ये तीनों चीज़ों के आंसर जो हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। Then these are the answers for yesterday's lecture, that was about the morphology and anatomy of cockroach. So please guys, match your answers with these one. और अगर लेक्चर आप लोगों के समझ में आ रहे हैं तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। तो कल से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो सेल वाली यूनिट है उसमें तीन लेक्चर्स हैं, तो हम पहले वो कवर करेंगे, उसके बाद हमारी प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी भी हो जाएगी, ठीक है। अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए आप लोगों को तो हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग मुझे ग्रेडअप पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे क्विजेस बनाई हुई है मैंने, तो आप वहाँ जाके उन्हें सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।